थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करना है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और आज मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। यहाँ पे ले ली है मैंने डायरी और इसमें मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। ये देखो भंडारे का खाना ही कुछ अलग रहता है। कल नानी चली जाएगी भोपाल। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। सो आज है संडे 15th of January और आज बहुत ही स्पेशल डे है। स्पेशल इन द सेंस आज हम लोग कुछ चीज़ें करने वाले हैं। सो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मम्मी भोपाल जा रही है, यानी कि मम्मी को कल जाना है। कल मंडे को मम्मी की रात को ट्रेन है। तो मम्मी जा रही है एक शादी में। मम्मी की मौसी, मतलब मेरी मौसी है, रिलेशन में एक मौसी है, उनके बेटे की शादी है, तो वहाँ जाना है। तो मम्मी का थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करना है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ऑल्सो एक और रिलेशन में मौसी है जिनके यहाँ आज है भंडारा। वहीं पर है जहाँ पर हमारा हुआ था, आपने देखा होगा न्यू ईयर वाले व्लॉग में, जो इस साल का जो पहला व्लॉग था। सो यस, बने रहिए व्लॉग में और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के। आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो प्लीज सब्सक्राइब, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अभी आज संडे है और एज यू ऑल नो कि मेरी क्लासेस आज नहीं है, तो जिन लोगों को पता है और अच्छी बात है, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं कंटिन्यूसली आप देखते हो, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी क्लासेस रहती है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसकी क्लासेस रहती हैं मंडे टू सैटरडे। तो आज संडे होने की वजह से नहीं है, सो आई एम फ्री। सो यस, आज मैं करती हूँ मम्मी की थोड़ी सी हेल्प। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन साफ करने, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मेरा प्लान है किचन साफ करने का। वैसे तो मम्मी रोज ही साफ करती रहती है, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, पर थोड़ा बहुत जैसे आज मैं कर देती हूँ, कहीं रखा होगा, बट जो भी थोड़ा बहुत गंदगी है वो मैं साफ करूँगी। और आज नाश्ते में बनी है पुलाव, सो सफाई करने के बाद खाएंगे। अभी तो मुझे आज सच कोई भूख है नहीं। हमने अभी जस्ट चाय पी है, टोस्ट खाया है, सो उतना ज़्यादा अभी नहीं है। थोड़ा सा सफाई कर दें तो शायद काम करने के बाद थोड़ी सी भूख लगाए, फिर उसके बाद खाएंगे। सो लेट्स करने के बाद, नीचे झाड़ू लगाने के बाद, अब मैं आज सोच रही हूँ कि यहाँ पे टाइल्स में जितना भी स्पॉट है, गंदगी जो जमा हो जाती है यहाँ पे, वो मैं घिस दूँ। हमारे घर में हाउस हेल्प है, वो झाड़ू पोछा करती है, बट वो इतना, उनके पास टाइम नहीं होता ना कि वो एक ही घर में बैठ के घिसते रहें, तो इसलिए वंस इन अ वीक मैं ये कर लेती हूँ खुद से। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ये काम मम्मी कर लेती है। तो आपको बस डिटर्जेंट को डिजॉल्व करना है पानी में और जो भी स्क्रब है उससे अच्छे से घिस दीजिए। और मैं थोड़ा दूर तक कर रही हूँ क्योंकि जितने भी तेल के स्पॉट्स हैं टाइल्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइल्स बहुत चिपचिपी हो जाती है। तो इस तरीके से करने के बाद आपको एक गीले कपड़े से या गीले पोछे से आपको इसे पोछ देना है। कम से कम 2-3 बार आपको पोछना पड़ेगा, वरना वो डिटर्जेंट का जो दाग है वो नहीं जाएगा। एंड हियर यू कैन सी कितने अच्छे से साफ हो गया, ये काफी अच्छे से साफ हो गया है। अब बिफोर आफ्टर नहीं क्लिक कर पाई, इसीलिए इतना अच्छा से नहीं समझा पा रहा है, लेकिन अब आप देख सकती हो कि सारे एकदम चमक रही है टाइल्स, सारे तेल के स्पॉट्स जो हैं वो निकल गए हैं। अब बारी आती है यहाँ की, यहाँ पे सफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मम्मी हमारे लिए पुलाव तल रही है, जी देख सकते हैं आप। आज मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, लेकिन ब्लॉग तो बनाना ही है। काय फील हो रहा सैड बता दो फ्रेंड्स, आज बहुत सैड फील हो रहा है। हम तो सब जिंदा हैं,
चाय भी चढ़ी हुई है, चाय पियेंगे, पोहा खाएंगे। मेरे सर में आज इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना, और जब सुबह से ही सर दुखने लगे ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। पता नहीं क्यों शायद ठंडी लग गई है इस वजह से। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी से बोलूँ कि वो जो सर दर्द वाला काढ़ा बनाती है ना वो बना दे। सीरा हमारा पुलाव, सभी हम पुलाव खाएंगे। देखिए देखा होगा आपने, हमने सफाई कर दी है, बहुत ही अच्छे से किचन साफ हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक अगर आप साफ कर देते हो तो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जितना भी तेल वगैरह जो जमा हो जाता है ना ज़मीन में वो सब हट जाता है, तो जो चिकनाहट है वो चली जाती है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव स्टार्टेड पैकिंग, हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, तो मम्मी की पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ले ली है मैंने डायरी और इसमें मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जो ट्रिप है वो होने वाला है 2 दिन का, 16 को जा रही है यानी कि कल रात को जाएगी, 17 को वह वहाँ पहुँच जाएगी। 17 को जो मेन फंक्शन है, बारात जो है वो 17 को है, 18 को वधु प्रवेश यानी कि बहू आएगी उसके, तो उसके हिसाब से मैंने सारे कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। आइए अब इसको निकालते हैं। आप देख सकते हो कि मम्मी सूट निकल लेके जाएगी, 3 सूट, 3 साड़ी एक एक्स्ट्रा में रख रहे हैं। वैसे तो 2 ही साड़ी ओके हैं, बट एक मान लीजिए अगर एक कुछ डैमेज हो गई, कुछ गिर गया तो चेंज करना है तो एक एक्स्ट्रा में होना चाहिए, या फिर मूड नहीं है वो जो लेके गए वो मेन जो है साड़ी पहनने का मन नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा में रख लेंगे। उसके अलावा सैंडल, स्लीपर्स, ठंडी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे भी ठंडी होगी तो उसके हिसाब से एक स्वेटर जो पार्टी वेयर स्वेटर होगा, एक जो नॉर्मल हम चलते फिरते पहनेंगे वो शॉल रखेंगे 2। तो मैंने लिस्ट तैयार कर ली है। इस तरीके से अगर आप मैनेज कर लेते हो, लिस्ट तैयार कर लेते हो तो आपको कुछ भी भूलता नहीं है। मेकअप आइटम मम्मी ज़्यादा मेकअप यूज़ करती नहीं है, बट थोड़ा सा मिनिमल लाइक जितना भी है लिपस्टिक वगैरह, क्रीम, लोशन, बॉडी लोशन वगैरह वगैरह वो सब कुछ तो रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा जैसे ट्रेन से जा रहे हैं तो वैसे तो एसी में ही है टिकट, बट अपनी तरफ से भी एक ब्लैंकेट वगैरह लेकर के चलना चाहिए, चादर, एक ब्लैंकेट। सो उसके हिसाब से हम पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। मम्मी चली गई है नहाने, सो लेट्स स्टार्ट। तो मम्मी के जितने भी अच्छे सूट थे तो वो मैंने सारे यहाँ पे लगा दिए हैं और अब मैं मम्मी को बुलाऊंगी कि वो इनमें से चूज कर ले कि कौन से उसे रखने हैं कौन से नहीं। तो ये सारे हैं, ये 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 ये, इनमें से चूज कर लो। कहे रीज़न बताते चलो। पैंट होता नहीं है, तो पैंट थोड़ी पहनना है, उसके साथ ये वाला भी पहन सकते हो, ये वाला गोल्डन वाला भी ले जा सकते हो अगर ये दोनों ले जाने का सोचते हो तो। हाँ ठीक है। कौन कौन से रखना है? इसको रख दो। है और ये जितना पहनने में थोड़ी छोटी की साड़ी तरह लगा पाएंगे तो ये रख देंगे। तो मान लो हल्दी हुई तो हल्दी में भी काम हो जाएगा, ठीक ना। एक ये वाला रख देते हैं तो ये अगले दिन पहन लेना, बहू वाले दिन बदलने के बाद, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा में इस रखना तो इसी को रख दो, ठीक। चलो नहीं इसको रख सकते तो सफेद उसके साथ पहन सकते हैं। ओके। तो ये रहा मम्मी का सारा सेटअप यहाँ पे, और ये 2 चप्पलें, 1 स्लीपर, 1 सैंडल पे, 2 शॉल, 3 सूट। चलो पैक करते। पे मम्मी का सारा सामान पैक और रखेंगे ये जो मम्मी को साड़ी देनी है बहू के लिए, और ये और इसकी चूड़ी, ये और रखेंगे। और मम्मी यहाँ पे माठा भा रही है, अभी धूप में क्यों भा रही हो? धूप में आजकल जल्दी हो जाता। सो फ्रेंड्स, वी आर रेडी, हम लोग नहा धो करके रेडी हो गए। मम्मी की पैकिंग करते करते भूल ही गए थे कि भंडारे में भी जाना है। फिर मम्मी टाइम देखा तो याद आया कि 1 बज रहे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी नहाए, रेडी हुए,
मैंने पहना है ये सूट और मैं अपनी ब्यूटीफुल मम्मी को दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। नहीं मिट्टू है ना, मिट्टू टोपा मास्टर चल दी। तो बस हम लोग जा रहे हैं, मिट्टू के पापा का भी इनविटेशन है तो वो भी आ रहे हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, शिरीष की चाची हैं, मेरी मौसी हैं, तो दोनों तरफ का ही इनविटेशन है। तो अभी वो भी आ रहे हैं तो उनके साथ में जाएंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, मिट्टू के पापा भी आ गए हैं। ये रही मिट्टू बिल्कुल अब इधर पे, इसको क्या बोलते हैं, किसको, इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसको ये हाँ वही तो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दावा बोलना चाहती है मिट्टू। लोकल भाषा में बताना चाहिए ना, गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स मिट्टू परेशान होगी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को खराब करने की कोशिश करेगी। तो नहीं मिट्टू को ना इस म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे जो सारा सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम, एसी सिस्टम, फैन सिस्टम, उसको सारे सिस्टम के साथ खेलने में पता नहीं क्या मजा आता है। चलिए पहुंचते हैं मंदिर में और जल्दी से करते हैं भोजन, बहुत ज़्यादा भूख लगाई है। 2:45 हो गए हैं, 3 बज गए, जनरली हम लोग 1 बजे खा लेते हैं। अरे कोई पट्ट बंद है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं भंडारे में, खाना खाने बैठ गए हैं। ये देखिए थाली भी लग गई है हमारी। तो हम बोल ना देंगे। सो फ्रेंड्स वी आर बैक होम, और भंडारे से आने के बाद अभी हम लोग घर आए थे और अब जा रहे हैं मम्मी के लिए, जो हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है, ट्रैवल एसेंशियल्स, तो वो लेने। तो 4 बज गए थे और पापा के चाय पीने का समय हो गया था, तो हम लोग घर आए, पापा को चाय दिए, हम लोग भी पिए और अब जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स बोल रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं, रिलायंस जियो मार्ट मतलब शॉपिंग मॉल, किराना स्टोर। उसके बाद ना मम्मी सुमित बाजार भी जाओगे, कल अब बोले थे ना ड्रेस ले लीजिए बच्चे की। अभी हम लोग आ गए सुमित बाजार, रिलायंस बाद में जाएंगे यहाँ से लौटने के बाद। तो वहाँ पे जहाँ पे मम्मी शादी में जा रही है, वहाँ छोटा सा एक बेबी है जो कि मौसी का नाती है, तो उसके लिए मम्मी को कपड़े लेने हैं, है ना मम्मी, और मिच्छू भी है। सो लेट्स गेट इनसाइड और सुमित बाज़ार आते ही मिट्टू की सारी मस्ती चालू हो गई है। आप देख लो ये बस कपड़ों के रात में यहाँ से वहाँ करती रहती है। कुकी ये तो छोटा नहीं हुआ, 2 साल के बच्चे को हो जाएगा ये, आ जाएगा हो गई सी, ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, ये भी अच्छा लगता है, ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भी ये वाला खोलिए, इसको रहने दो, छोटा लग रहा है इसी में, नहीं बड़ा ठीक है, बड़ा है ये वाला कि ये वाला, जल्दी बताओ देखा। कैप वाले सेक्शन में ये इतनी अलग टाइप की कैप रखी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने मम्मी को ये पहनाई और मम्मी मिट्टू के साथ खेलने लगी है पहन के। ये देखो कैसी लग रही है, क्या टोपी है, हाँ सींग वाली टोपी। रुको बनाने, नो जी कहाँ है, कहाँ है मिट्टू की, नो जी नो नो नोज कहाँ है मिट्टू की, मिट्टू की नोज कहाँ है,
ये कुछ खाना है मम्मी? डोसा वगैरह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ले लिए हैं सामान। मिट्टू बोल रही है, बेबी का बाबा सूट। और अब जा रहे हैं, अब जाएंगे रिलायंस। थोड़ा सा मम्मी के लिए लोशन वगैरह लेंगे। और मेरा सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वही है ना, सुबह सर ना दर्द करने लगे, वरना पूरा दिन जब तक आप सो नहीं जाते ना तब तक ठीक नहीं होता सिर दर्द। चलिए पहुँचते हैं रिलायंस। आ जाओ, घूम लिए हो तो। मैंने ऑलमोस्ट सामान ले लिया। मैं शूटिंग कर ही रही थी कि वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे मना किया कि आप यहाँ शूटिंग नहीं कर सकते, अपने बच्चे का वीडियो बना लो बट यहाँ का वीडियो मत बनाओ। तो इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो मम्मी यहाँ पे मिट्टू को गाड़ी में घुमा रही है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। बाबा कर दो मिट्टू। मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या लेकर के आए हैं वहाँ से। मैंने पहन लिए, मैंने चेंज कर लिया है, मैंने मिट्टू की कैप लगा ली है। ये देखो मुझे कितने अच्छे से फिट आ जाती है। मुझे अभी अपनी कैप नहीं मिल रही तो इसलिए मैंने यही लगा ली। तो लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट फ्रॉम रिलायंस मार्ट, ठीक है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान हम लोग अभी लेकर के आए हैं मम्मी लोग के ट्रेन के लिए। थोड़े से स्नैक्स, ये भुजिया 2 पैकेट, एक मिक्स, एक मुंबई मिक्स है, एक बीकानेरी भुजिया चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक यूनिबिक कुकीज़ हैं, ये कैश्यू कुकीज़ मेरी फेवरेट। मम्मी के लिए लिया है हमने ये इंगेज परफ्यूम, ये मैंने अपने शादी के समय भी लिया था, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसका फ्रेग्रेंस। और ये 3 अमूल कूल हम लोग के लिए। एक ये छोटा बेबी बॉडी लोशन, इसके अलावा एक ये लिप बाम है, और एक ये क्रीम है पॉन्ड्स की, और एक ये डार्क फैंटेसी। तो ये सारा सामान है जो मम्मी लोग लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो गया है 8:30 और अभी मैं करने लगी हूँ डिनर। डिनर में, अरे बाप रे, जल गया मेरा पैर। डिनर में है आज ये खिचड़ी। तो हम लोग जहाँ भंडारा खाने गए थे ना, तो मौसी ही है, तो हम लोग टिफिन लेके गए थे, तो हम बहुत सारी खिचड़ी लेकर के आए हैं। बहुत डिलीशियस, मतलब भंडारे का खाना ही कुछ अलग रहता है, मतलब गजब। मजिया गई। फिर से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये दोनों अब कैसे मिट्ठू मामा नाना मिट के मिट्ठू को झूला झूला रहे हैं। अब करो, नहीं करेंगे अब, पापा करो। दैट्स इट फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं सोने। मिट्ठू को भी अब बहुत नींद आ रही है ना मिट्ठू? तो ऐसा था हमारा आज का दिन, बहुत अच्छा हुआ। मम्मी की सारी पैकिंग हो गई है, कल मम्मी चली जाएगी भोपाल रात में। मैं कैसे अकेले रहूँगी, कैसे मिट्ठू को संभालूँगी, है ना? कल नानी चली जाएगी भोपाल। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो इसे करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। Also, do not forget to press the notification bell. आप notification bell नहीं press करते इसलिए आपको notifications नहीं आते हैं। I am coming on a routine कि मैं अब routine videos डालूँ, not daily but every second या third day। अभी तो मैं third day का sequence मैंने finalize किया है। Every third day I will be posting a new video. So अगर आप notification bell press नहीं करोगे तो आपको notification नहीं आएगा। तो subscribe करो, notification bell press करो and enjoy. Bye.